हाय एवरीवन, आई एम अनीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम टिप्स। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ब्रशेस। जैसे कि हम जो मेकअप करते हैं, ब्रशेस बहुत ही अच्छा मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर हमारे ब्रशेस काफ़ी अच्छे नहीं होंगे तो ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी। अगर ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी तो भी आपका मेकअप है वो काफ़ी पैची लगेगा। तो पैची मेकअप ना हो इसलिए हमें काफ़ी अच्छे ब्रशेस यूज़ करने चाहिए। और जो काफ़ी अच्छे ब्रशेस होते हैं उनकी जो रेंज होती है काफ़ी हाई होती है। तो मैं आपके लेके आई हूँ कि जो जिसकी रेंज भी कम हो और काफ़ी वो अच्छा मेकअप भी आपका करे और साथ साथ वो ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो। तो इसके साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये 10 ब्रशेस जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे और जो उनका प्राइस है वो टोटली अफोर्डेबल है। 180 गाइस, ओनली 180 रुपीज़ के आपको ये 10 ब्रशेस मिलेंगे जिससे आप पूरा मेकअप अपना कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये इसके कैसे हैं, कितने कहाँ से लिया है मैंने, सब चीज़ आपके साथ डिटेल में शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो ये मैंने ब्रशेस लिए थे, सबसे पहले वो ऐसी पैकेट में पैक होके आए थे और यहाँ से ये आप इसको एकदम सील पैक करके रख सकते हैं ताकि इनमें बिल्कुल भी डस्ट वस्ट ना जाए इनको वॉश करने के बाद। वैसे ही जो मैं आपको ये इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, इनको ऑलरेडी मैंने यूज़ किया है, जितना भी मैंने अभी आई मेकअप क्रिएट किया है मैंने इन्हीं ब्रशेस की हेल्प से किया है, ताकि आपको पता चले कि इनकी जो ब्लेंडिंग काफ़ी कैसी है और कैसी नहीं है। तो अब मैं इसके टोटल जो ये ब्रशेस हैं वो टोटल 10 हैं, मिल रहे हैं 180 में। आई थिंक काफ़ी अफोर्डेबल है ये, अदरवाइज काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। अगर मैं अब इसके बात करूँ इसकी साइज़ की, तो साइज़ आई थिंक मेरे हैंड के इक्वली है ये, तो ठीक है। इनका साइज़ ना ज़्यादा बहुत बड़ा है ना काफ़ी छोटा है, आप आराम से अपने फेस को उससे मेकअप कर सकते हैं। और अगर मैं इसके ब्रेसलेट्स की बात करूँ तो काफ़ी स्मूथ है ये, और बिल्कुल भी इसके जो कोई कोई होते हैं ऐसे निकलते रहते हैं, इनके ब्रेसलेट्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। और जो सॉफ्ट होते हैं दैट कि वो काफ़ी अच्छे ब्लेंडिंग में अच्छे होते हैं ये, और सिंथेटिक है ये भी ना कि इसको वॉश करने बाद ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे ये। अब बताती हूँ कि आप इनको कैसे कैसे यूज़ करेंगे, इनके क्या यूजेस हैं, ताकि आप जब भी करें आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि कौन सा ब्रश आपको किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। जैसे कि मैंने काफ़ी और भी देखे थे कि काफ़ी ब्रशेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, 24 या 36 का पूरा ब्रशेस थे, बट उसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती थी, इसलिए मैंने ये टोटल 10 लिए हैं, क्योंकि 10 काफ़ी होते हैं आपके मेकअप को कंप्लीट करने के लिए। तो आप मैं आपको बताती हूँ कौन सा ब्रश किस काम आता है। जो फर्स्ट ब्रश है वो है ये एकदम फ्लैट ब्रश। इसके साथ आप जब आप फाउंडेशन लगाते हैं, आप फाउंडेशन इसके हेल्प से अच्छे से डैप करके पूरा फिनिशिंग दे सकते हो, ब्लेंड कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है ब्लेंडिंग के लिए भी। कितना सॉफ्ट है ये। जो नेक्स्ट है, पहले मैं आपको जितने भी प्लफी वाले ब्रशेज हैं उनका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, और उसके बाद जो है ये आता है, इससे आप अपना कंसीलर अपना सेट कर सकते हैं, या जो आप कंटूर करते हैं वो, क्योंकि थोड़ा पॉइंटेड है इस ब्रश है, वो थोड़ा ऊपर से फ्लैट तो नहीं है, थोड़ा कर्व शेप में है ऊपर से। तो जो मैं इसका यूज़ करती हूँ वो मैं अपने ब्लश के लिए करती हूँ, या फिर अगर मुझे थोड़ा पाउडर जो आप सेट करने के लिए पाउडर यूज़ करते हैं, लूज़ पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं आप, इसकी हेल्प से आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट है वो है थोड़ा ये स्लांटिंग में है, देखिए एकदम फ्लैट में और थोड़ा यहाँ से स्लांटिंग थोड़ा ऊपर की साइड है ये, थोड़ा टिल्टेड है ये। तो इससे आप जो मैं फील जो करती हूँ, जैसे कि हमें कभी कॉम्पैक्ट लगाना होता है, आईज़ के ऊपर भी हम लगाते हैं पाउडर, कंसीलर लगाने के बाद पाउडर लगाते हैं, ताकि जब हम आई शेडो अपना अप्लाई करें तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग हो, पैची ना लगे, इसलिए इससे हम आराम से कॉर्नर्स में कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर से बाहर निकलेगा तो फिर हमारे फेस में लगता है। एंड जो नेक्स्ट ब्रश है वो थोड़ा स्लैंट भी है, साथ में बीच में से कर्व भी है, फ्लैट नहीं, जैसे कि जो पहले वाला ब्रश था वो एकदम ऊपर से एकदम सीधा स्ट्रेट था, नीचे से यहाँ से फ्लैट था, बट ये ऐसा नहीं, थोड़ा कर्व में है। तो इससे आप जितना भी आप ब्राउंसिंग करते हैं फेस की, आप इससे ब्राउंसिंग कर सकते हैं,
या फिर आप जैसे कि लूज़ पाउडर, आप इससे भी लूज़ पाउडर आप सेट कर सकते हैं। फिर दोनों आप जो भी आपको ठीक लगे आप इसे फिर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको। एंड जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेम एकदम फ्लैट ब्रश है। इसको जो मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कि हमें ये जो एरिया होता है हमारा कॉर्नर का जो वी शेप होती है, इसमें हमें आई शेडो लगाना होता है, तो मैं इसकी हेल्प से लगा दूँ। देखिए इसमें थोड़ा ब्राउन लगा भी हुआ है क्योंकि उन्हें अभी इसी से ही अपना मेकअप किया है। तो इसको हम साइड में ऐसे करके लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है उसके लिए ये। और अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, सेम है बट सेम इसका थोड़ा सा कर्व है, जैसे कि इसमें फेदर वाला नहीं है जिससे हम ब्लश हाईलाइटर लगाते हैं। तो इसके हेल्प से हम आराम से अपना हाईलाइटर लगा सकते हैं, क्योंकि इतना भी ज़्यादा फ्लफी नहीं है, एकदम बीच में थोड़ा छोटा सा है। तो आराम से इससे हम अपना जितने भी आई जो हाईलाइटर वाला एरिया, हम उसको इससे हाईलाइट कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट है वो एकदम सी ऊपर से एकदम फ्लैट है, ये जैसे फ्लफी वाला था बस ये छोटा साइज में है। देखिए सही है। इसको जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, कभी हम आई शेडो लगाते हैं या कुछ हम यहाँ पे कभी एक्स्ट्रा में गिर जाता तो मैं इससे थोड़ा डैब डैब करके इसको क्लीन करती हूँ, तो मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। एंड जो नेक्स्ट है वो है ब्लेंडिंग ब्रश। सी ऊपर से एकदम प्योरली कर्व है ये, और इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो सकती है। इसको मोस्टली जो क्रीज एरिया हम में लगाते हैं कलर, इससे लगाते हैं। और साथ में जो हमें ब्लेंडिंग करनी होती है, जो आई शेडो की ब्लेंडिंग जो मेन होती है, इसी से ही करेंगे। बहुत अच्छा है ये। सी जो लास्ट है वो एकदम पॉइंटेड वाला है, ये एकदम पॉइंटेड है। इससे आप जैसे कि हमें कभी नीचे आई शेडो हम लगाते हैं उसको थोड़ा स्मज करने के लिए, आप इसके हेल्प से इसको स्मज कर सकते लगा सकते हैं। साइड में जो हम इनर कॉर्नर से हम इनको थोड़ा हाईलाइट करते हैं उससे, इसके हेल्प से कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हम ये जो ब्रो बोन होती है हम इसके हेल्प से ही हाईलाइट करते हैं। तो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है ये, काफ़ी काम करता है ये। तो मैंने आपको सारे ब्रशेस को बता दिया कि कौन सा ब्रश कौन से क्या काम करता है, उसको आप कैसा यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब मेरा चैनल नहीं किया है, लाइक और कमेंट आपको करने ही हैं, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगी है या कुछ चीज़ आपको कमी लगी है किसी चीज़ की। बाकी फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।